जो हमारी 11th को धर्मशाला में एक सर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे एक सेलिब्रेशन और रैली का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है उससे संबंधित प्रेस ब्रीफिंग में हमारा जो ट्रैफिक प्लान उस दिन कैसे रहेगा और जो हमारे तैयारी है उसके लिए ये आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसमें मैं सबसे पहले व्यवस्था में जो वेन्यू है हमारा, जैसे सभी को विदित है पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में ये रैली होना निश्चित हुआ है और इसमें जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में जो वेंडर के द्वारा जो है टेंटेज स्टेजेस उनके प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं और पुलिस टीम द्वारा जो वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतज़ाम है बिफोर द इवेंट वो पर्याप्त मात्रा में किए गए हैं और उन पे हम फोकस करके इस इवेंट में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें स्टेट के सभी ज़िलों से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आने की संभावना में बताई गई है, तो इस सिलसिले में जो बसेस और गाड़ियों का मूवमेंट प्लान है वो ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके हमने फाइनल किया और एक फाइनल नंबर्स वर्कआउट हम कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन किस डायरेक्शन से कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हमें मैनेज करने के लिए 11th को धर्मशाला में रहेगा उसका एक आइडिया भी लगाएं और हम अकॉर्डिंगली अपने ट्रैफिक प्लान्स इसमें बनाएं। तो जैसे कि लास्ट टाइम के बड़े इवेंट्स वर्ल्ड कप मैचेस और उससे पहले T20 मैच उसमें एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई लोकल ट्रैफिक जो है मूवमेंट से ना रुके, तो शहर को दोबारा से हम वन वे प्रणाली यहाँ पे स्थापित करेंगे जिसमें धर्मशाला से कांगड़ा की ओर जाने वाली सारी ट्रैफिक जो है वो उसको एजुकेशन बोर्ड्स को यहाँ से होते हुए चैथरू और जो धर्मशाला की तरफ आने वाली ट्रैफिक है उसको चैथरू से डाइवर्ट करते हुए शीला चौक दाढ़ी और वहाँ से धर्मशाला पालमपुर रोड पे जो है वन वे शहर के अंदर एक सर्कुलर बनाने का इसमें हमने निश्चित किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशंस भी जारी कर दी गई हैं और आपके माध्यम से मैं, क्योंकि 11 तारीख मंडे है और इस दिन सारे सरकारी संस्थान साथ में स्कूल्स और जो नॉर्मल वर्किंग पीपल है उनकी जो ट्रैफिक है वो एज यूजुअल ही रहेगी, तो इसलिए अपनी जो भी जर्नीज हैं आप इस एडिड डायमेंशन को ऐड करके टाइम को चलें और क्योंकि रैली का समय लगभग 12 बजे जो बताया गया है तो हमें उम्मीद है कि जो रैली के पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि धर्मशाला के बाहर से विभिन्न ज़िलों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे होंगे तो वो लगभग 9 9 बजे के करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है धर्मशाला टाउन में स्टार्ट हो जाएगी। इसी समय स्कूल ऑफिसेज और जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो भी टाउन में और इसके आसपास के क्षेत्रों में हैवी रहता है, तो क्योंकि ये वन वे एक बनाया गया तो आपका जर्नी टाइम इंक्रीज़ करेगा, उसी हिसाब से मैं आपके माध्यम से सभी जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जर्नी टाइम में एडिशनल टाइम जो लेके चले ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट जो है इसमें ना आए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारे रैली का जो ट्रैफिक है उसको डी बोर्ड जो है कैंची मोड़ जो कि पुलिस ग्राउंड से धर्मशाला पालमपुर रोड पे है वहाँ पे प्लान किया गया है, वहाँ से रैली में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पुलिस स्टेशन की रियर साइड जो कि पालमपुर की तरफ का जो गेट है वहाँ से हम उनको वेन्यू स्थल पे जो है एक्सेस देंगे और उसके लिए पर्याप्त जो है DFMDs HHMDs रिस्किंग टीम्स की डिप्लॉयमेंट उस क्षेत्र में की जाएगी ताकि किसी प्रकार का सिक्योरिटी रिस्क इस कार्यक्रम में नहीं रहे। जितने भी जो इसके अलावा मैं जो जितने भी लोग शाहपुर नूरपुर चंबा ज्वाली इन क्षेत्रों से इस रैली की ट्रैफिक जो हमें आएगी उसको हम चंबी चौक से जो है धर्मशाला में एंटर करवाएंगे जिसमें फिर सुधेड़ और इसकी तरफ से आके बस स्टैंड की तरफ उनको जो है डीबोर्डिंग पॉइंट जो है रखा गया है, वहाँ से शटल बसेस अवेलेबल रहेंगी जो कि रैली संबंधित ट्रैफिक को और लोगों को वहाँ से पिक करके बस स्टैंड से पिक करके बाईपास बस स्टैंड से पिक करते हुए कचहरी चौक के एरिया में उनको डिबोर्ड करेंगे और वहाँ से वे हनुमान टेम्पल और हनुमान टेम्पल से इसको आप नीचे हो दिया दिया।
डीआरडी, हनुमान टेम्पल से होते हुए जो डीआरडीए के ऑफिसेज हैं, डीआईजी ऑफिस है, वहाँ से उनको जो है सभास्थल में डीआईजी ऑफिस के अंदर से एंटर करते हुए पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड की जो रियर साइड है उसी एंट्रेंस पे लॉन टेनिस ग्राउंड के साथ हम उनको एंटर जो है ग्राउंड में करवाएंगे। ये जो दो मेजर साइड्स हैं हमारे को जो अप्रोचिंग ट्रैफिक रहेगा, चाहे वो हैवी व्हीकल्स है चाहे स्मॉल व्हीकल्स है रैली संबंधित, इनके दो एक्सेस पॉइंट जो कि जैसे मैंने डिस्कस किया, पालमपुर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को हम कैंची मोड़ पे और चंबी, और इस तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसको हम बाईपास बस स्टैंड पे डीबोर्ड करके यहाँ तक हम शटल सर्विसेज से लाएंगे। जो हैवी व्हीकल्स की पार्किंग रखी गई है वो मेजरली जोरावर स्टेडियम जो है लोगों को ड्रॉप करके, ये जो बसेज हैं रैली संबंधित इनको जोरावर स्टेडियम में लगभग 200 बसेज जो हैं वहाँ पे पार्क करने की व्यवस्था बनाई गई है, और उसके बाद दाढ़ी मेला ग्राउंड में LMBs और हैवी व्हीकल्स एज़ पर रिक्वायरमेंट हम पार्क करेंगे। इसके साथ ही जो नया फुटबॉल ग्राउंड हिमुडा कॉलोनी के साथ बन रहा है उसको पार्किंग स्थल की व्यवस्था बनाई गई है। कॉइन्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में प्रोबेबली लाए जाने चाहिए, खासकर जो डी के क्लोज जो एरिया में लोग बैठेंगे उनको कोई भी थ्रो करने लायक आइटम्स, वाटर बॉटल्स या कोई हैंडी आइटम्स जैसे कॉइन्स वो अवॉइड करने चाहिए। और ये छोटे से प्रिकॉशंस आप लेके आएँ, मैं दोबारा रिएटरेट करूँगी कि खाने की और पीने की व्यवस्था जो है वेन्यू स्थल पे की गई है, तो वो इस तरह के आइटम्स, फूड आर्टिकल्स और लिक्विड आइटम्स जो हैं अपने साथ वेन्यू स्थल पे ना लेके आएँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हर बार की तरह इस फंक्शन को भी कांगड़ा पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और लोकल जो धर्मशाला के वासी हैं उनका सहयोग मिलेगा, और पुलिस के ट्रैफिक जवानों के जो भी दिशा निर्देश, डायरेक्शंस, जो भी हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें आपकी पूरी कोऑपरेशन मिलेगी, और आप सभी के सहयोग से इस विशाल रैली को भी हम सक्सेसफुली और पीसफुली कंडक्ट करवा पाएंगे।